जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी सना इल्तिजा जावेद ने दावा किया है कि उन्हें श्रीनगर में ही उनके घर पर नजरबंद किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस संबंध में और जानकारी का इंतजार है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के कई स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया था और उसको लेकर जब जम्मू कश्मीर में हिंसा दिखाई दे रही थी और ये बात भाजपा सरकार की तरफ से लाई गई थी कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी बवाल हुआ था। उसको देखते हुए भी कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था सरकार द्वारा। अब हाल ही में सना का ये बड़ा बयान आया है और ये कई बातें खोलकर सामने रखता है। सना के बयान ने जो कहा कि उसे नज़रबंद किया गया था और उसी के घर में नज़रबंद किया गया था। आपको बता दें, सना ने बयान भी दिया था कि अगर उन्हें भी नज़रबंद कर लिया जाता है तो ये हैरानी वाली बात नहीं होगी। बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद से ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हिरासत में है। ऐसे में उनकी बेटी सना उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट चला रही है, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उन्हें भी नजरबंद कर लिया गया था। SPN 9 न्यूज़ नाज़मीन की रिपोर्ट।